पटाखे और देसी घरेलू नुस्खों से किसान भगा रहे हैं नील गायों को। क्षेत्र में इन दिनों अफीम की फसल पर फूल भी आने लगे हैं। अब कुछ समय में इन पर डोडा भी आने लगेगा। अफीम की फसल बढ़ने के साथ ही किसानों के माथे पर इनकी देखरेख को लेकर चिंता सताने लगी है। अब किसानों को फसल की सुरक्षा में दिन और रात खेतों में ही गुजारने पड़ेंगे। किसान अपनी फसल को प्राकृतिक प्रकोप, मवेशियों और पक्षियों से सुरक्षा करने में जुट गया है। किसान बताते हैं कि अफीम को काली देवी का रूप पूजन की मान्यता है, वहीं इसे काला सोना भी कहा जाता है। वर्तमान में क्षेत्र के किसान के लिए जो बहुमूल्य फसल है, जो कि इन्हें अच्छी आमदनी के साथ समाज में रुतबा भी दिलाती है। अफीम काश्तकार अफीम की खेती को बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा करते हैं। जिस दिन फसल बोई जाती है और जहाँ तक काटी नहीं जाती, उसी पल तक देखभाल करनी होती है। कई किसानों ने तो खेतों पर झोपड़ियां बना ली है, जहाँ रहकर दिन रात रखवाली कर रहे हैं। अफीम की फसल पर फूल और डोडा आते ही अफीम तस्करों से भी किसानों को खतरा बढ़ जाता है। हालांकि मवेशियों और प्राकृतिक प्रकोप से भी खतरा कम नहीं होता। किसानों ने मवेशियों से फसल की सुरक्षा के लिए तार बंदी, लोहे की जालियां लगा दी है। प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए अफीम की फसल के चारों तरफ मक्का की बुवाई करते हैं। इससे शीतलहर और पाले का असर कम पड़ता है। अफीम की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान इस क्षेत्र में नील गाय पहुंचाती है। किसानों की सबसे ज्यादा मेहनत इन नील गायों से फसल बचाने में हो जाती है। नील गायों से बचाने के लिए टेप रिकॉर्डर की तेज आवाज कर तो कहीं किसान पटाखे छोड़कर नील गायों से इस बहुमूल्य फसल को बचाने का जतन कर रहे हैं। कई किसान नील गायों के उत्पात और नुकसान से फसल को बचाने के लिए खेत के चारों ओर साड़ियां लपेट रहे हैं। कई किसान ऑडियो वीडियो कैसेट और चमकदार रील को खेत के चारों ओर लपेट कर फसल को बचाने के जतन कर रहे हैं। लुआई और चिराई का दौर शुरू होते ही दस्तक देने लगेंगे तस्कर। बता दें कि प्रतापगढ़ जिला पूरे देश में काले सोने की तस्करी के लिए जाना जाता है। यह मौसम की अनुकूलता और अच्छी पैदावार के चलते अफीम की फसल का अच्छा उत्पादन होता है। ऐसे में अफीम और डोडा चूरा तस्कर का अवैध कारोबार भी शुरू हो जाएगा। इस वर्ष अफीम की फसल की अच्छी पैदावार होने की आसपास लगाए बैठे मारवाड़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र के तस्कर स्थानीय तस्करों से संपर्क साध रहे हैं। लुवाई चिराई का दौर शुरू होने के बाद तस्कर काला सोना यानी अफीम अवैध रूप से अपने क्षेत्र में ले जाते हैं। किसान 3 महीने फसल पूरी नहीं होने तक खेतों में ही जुटे रहते हैं। डोडा निकलते ही माँ काली की पूजा के साथ होगा अफीम का दूध संग्रहण। अफीम का दूध संग्रहण कर अफीम के पौधे पर सफेद फूल आने से किसानों के चेहरे पर खुशी का माहौल छाया हुआ है। फूल खिलने के बाद अब कुछ दिनों में फसल पर डोडा निकलेगा। इस पर किसान आने वाले कुछ दिनों में विधि विधान से मां काली की पूजा अर्चना कर डोडे पर चीरा लगाकर अफीम के दूध का संग्रहण करने में जुट जाएंगे। वहीं इस बहुमूल्य फसल को बचाने के लिए किसान इन दिनों खेत में फसल की जंगली जानवरों से रखवाली के लिए राज जगा कर रहे हैं।